झाड़ू लगाना होता है, वो जो खाना खाते बर्तन बर्तन धुलना होता है, और मैम लोग की कुर्सी वर्सी ये सब यहाँ पे झाड़ू सब लोग सब करना पड़ता है। हमारे स्कूल में समस्याएं तो बहुत हैं। पहले तो पानी को लेकर ही समस्या है कि मैंने एक बार दो बार पानी नल लग चुके हैं, थोड़े दिन पानी आता है तो उसमें मिट्टी आती है, बंद हो गया नल। अभी 15 दिन हो गए मैंने दूसरा नल लगवाया है, उसमें ही मिट्टी आई है, वो भी नल खराब हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक विद्यालयों में मान एवं मानकों के अनुसार सभी सुविधाएं होनी चाहिए, परंतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा से मात्र 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित प्राथमिक विद्यालय उदयगंज में इस कानून का पिछले 5 सालों से हो रहा है उल्लंघन। शौचालय आपका सही है? नो, खराब है। कितना दिन हो गया होगा? बहुत दिन हो गया, खराब है बहुत, कोई सफाई करने नहीं आता है। तो आप लोग टॉयलेट के लिए कहाँ जाते हैं? हम ही लोग यहीं पे जाते हैं। मतलब कैसे वो खराब है, फिर कैसे जाते हैं आप लोग? गंदा बहुत है इसलिए तब भी हम लोग कैसे भी करके चले जाते हैं। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक जुड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे एक कंसर्न इंटर्न होने के नाते मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बदलाव जो कि RTE के तहत भी ज़रूरी हैं होने चाहिए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ की साफ़ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। यहाँ पे बिल्डिंग फूटी हुई है, ईंटें चुराए हुए हैं और स्टाफ की भी बहुत कमी है। एक हमारी जो है टीचर, उनके अलावा कोई स्टाफ नहीं है, सहायक अध्यापिका है, उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है। कुछ माहौल क्रिएट होना चाहिए कि हाँ, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ, यहाँ पे हमारा कुछ स्कोप है, हम यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं या फिर हमारा कुछ भविष्य सुधर सकता है। हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पास पड़ोस में जो रहते हैं, वहाँ पे हमने उनके पिता लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है। अब जब पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चा कोई भी गार्जियन अपने लड़के को क्यों भेजेगा यहाँ पे? सब लोग कूद कर इधर से, सब बाउंड्री स्कूल तोड़ना, गंदगी करना, शराब की बोतलें फेंकना, मतलब यहाँ बहुत कुछ होता है ऐसा। तो अभी आप लोग स्कूल को लेकर क्या चाह रहे हैं? स्कूल को लेकर चाह रहा हमारा स्कूल अच्छा हो जाए, जैसे हमारे यहाँ जाड़े में बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं, मतलब चटाइयों पे बैठते हैं। इतनी ठंडी पड़ती है कि बच्चों को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट में दर्द होता है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, और उनके लिए आग भी जलाते हैं ताकि वो उनको ठंडक ना लगे। तो बच्चों के लिए और स्कूलों में अच्छी मतलब चेयर टेबल है, तो हमारे स्कूल में भी चेयर और टेबल होना चाहिए। ये तो हमारा पुराना भवन है, ये डैमेज दिखा रखा है, नया भवन हमारा बना हुआ है, उसमें 2 रूम है, एक ऑफिस है, तो उसी में हम लोग 5 क्लास है, उसी में एडजस्ट करते हैं। आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे इस समय? 86 बच्चे हमारे यहाँ इनरोलमेंट, और अभी न्यू एडमिशन हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर जब मैंने लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं थी, पर आपके द्वारा फ़ोन करने पर मुझे इसकी जानकारी मिली है। मैं देखता हूँ इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द कैसे दूर किया जाए। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि लखनऊ जनपद के BSA के मोबाइल नंबर 9453004167 पर कॉल कर दबाव डालें ताकि इनकी समस्याएं दूर हों। मैं माधुरी, राजू उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहट के लिए।